गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दास काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू मिनिमलिस्ट नासिनमाइड 10% प्लस जिंक सीरम जो कि इस टाइप के आउटर बॉक्स में आता है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए अभी मुझे 2 वीक्स हो गए हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइव क्लिप्स के साथ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बट रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस मिनिमलिस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स के मैंने काफी सारे रिव्यू वीडियोस यूट्यूब पे देखे। उन सब में मैंने एक चीज नोटिस की कि उसमें पॉजिटिविटी से ज्यादा मैंने निगेटिविटी ऑब्जर्व की। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इसकी पैकेजिंग। जी हाँ गाइस, इसकी जो पैकेजिंग है वो ऑर्डिनरी की एग्जैक्ट कॉपी है। आई एग्री, इवन ब्रांड ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और वो बहुत जल्द न्यू पैकेजिंग के साथ अपने फॉर्मुलेशन अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडियन ब्रांड इतने अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ मार्केट में आ रही है। सेकेंड पॉइंट, मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोग बोले नासिनमाइड 10% इज टू स्ट्रांग। आई एग्री, रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 2-5% नासिनमाइड इनफ होता है। लेकिन ये पहला प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको नासिनमाइड 10% मिल रहा है। इससे पहले भी कई सारे 10% नासिनमाइड वाले सीरम लॉन्च हो चुके हैं और उससे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। मिनिमलिस्ट का 5% नासिनमाइड सीरम भी लॉन्च हो चुका है, तो आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने सुना है कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर आप लंबे टाइम के लिए अपनी स्किन पे यूज करोगे तो आपकी स्किन को डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। सो गाइस, आज के टाइम पे आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और इस ब्रांड ने कुछ भी छिपाया नहीं है। इसका जो फॉर्मुलेशन है आपको इनके वेबसाइट पे साफ साफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप जब भी प्रोडक्ट परचेस करें आप अच्छे से रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा इसमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस इंग्रेडिएंट नहीं है जो इससे पहले किसी और स्किन केयर प्रोडक्ट में नहीं डाला गया हो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी नासिनमाइड की हमारे स्किन केयर रूटीन में क्या इम्पोर्टेंस है। सो गाइस, नासिनमाइड एक पावरफुल मल्टीटास्कर है जो आपके एक्ने को ट्रीट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ब्लर करता है, हमारी स्किन में लिपिड बैरियर्स को इंक्रीज करता है, कोलेजन प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है, स्किन सेल्स को यूवी डैमेज से बचाता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन में कैरेटिन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी लगती है और फर्मर लुकिंग लगती है, आपके स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ एक्ने को ट्रीट करता है, स्मूथ करता है आपकी स्किन को और पोर्स के साइज को रिफाइन करता है। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा और इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डेली बेसिस पे नासिनमाइड अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन के टेक्सचर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, आपकी स्किन ज्यादा हेल्दी लगेगी, फर्मर लगेगी, इन्फ्लेमेशन पे ये काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, पोर्स पे काम करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में एक अलग से ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में 6-8 वीक्स लगते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड मेन इंग्रेडिएंट की जो है जिंक पीसीए। जिंक हमारे स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल रखता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है, वहीं पीसीए हमारी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन रखता है। तो अब मैं बात करना चाहूंगी इसके कंप्लीट फॉर्मुलेशन के बारे में। सो गाइस, इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जूस जो कि बेस की तरह यूज किया गया है। देन इसमें नियासिनमाइड है, देन इसमें डाइमिथाइल आइसोसॉर्बाइड है जो एक एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट है, 100% प्योर नेचुरल और इजीली फॉर्मुलेटेड इंग्रेडिएंट है जो इसमें स्टेबलाइजर का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। लेकिन इसका मेन फीचर है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना और इसके साथ साथ उन्हें आपकी स्किन में पेंट्रेट करने में ये हेल्प करता है। देन इसमें प्रोपेंडियोल है जो एक माइल्ड स्किन इरिटेंट है। देन इसमें इथॉक्सी डाई ग्लाइकॉल है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। देन इसमें जिंक पीसीए है, फिनॉक्सी एथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं। देन इसमें पोलोलेन है जो पीएच रेगुलेटर की तरह यूज किया गया है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज और थिकनर का काम करता है और एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्सेंथम गम स्टेबलाइजर का काम करता है और थिकनर का काम करता है। देन इसमें लेसिथिन है जो इंग्रेडिएंट्स को आपकी स्किन में पेंट्रेट करने में हेल्प करती है। तो ये इसकी बहुत ही बेसिक और सिंपल सी फॉर्मुलेशन थी। इसमें दो सस्पिशियस इंग्रेडिएंट है, पहला प्रोपेंडियोल जो एक माइल्ड स्किन इरिटेंट है और दूसरा फिनॉक्सी एथेनॉल जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है। और जितने भी पैराबिन फ्री आपको ब्रांड्स मिलेगी उसमें आपको फिनॉक्सी एथेनॉल मिलेगा ही मिलेगा।
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, डाइज नहीं है और सल्फेट फ्री ये प्रोडक्ट है। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मुलेशन। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉपर टाइप के पैकेजिंग में आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। इसका ड्रॉपर एकदम ठीक से काम करता है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ये फॉर्मूला है, बहुत इजीली हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है। मुझे इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है। यहाँ पे मैं एक और भी बात बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि 10% नियासिनमाइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है और इससे पहले मैंने कभी कोई भी नियासिनमाइड का सीरम या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, स्टिल मेरी स्किन पे इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये मेरी पहले दिन की एक साइड की फेस की क्लिप है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे नया नया एक पिंपल आया था, ये मेरी आज की क्लिप है। आप बिफोर एंड आफ्टर में जाके साफ साफ अंतर देख पाएंगे, काफी हद तक मेरा जो पिंपल है वो सप्रेस हो गया है। ऑब्वियसली ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं है, पूरा का पूरा स्किन केयर रूटीन इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और आपको मेरा करंट स्किन केयर रूटीन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ, कौन सा टोनर, कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन सी सनस्क्रीन और मैं रात में क्या यूज करती हूँ, ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को जब मैंने स्टार्टिंग में यूज करना स्टार्ट किया था तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले और दूसरे दिन छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दाने मैंने मेरे फेस पे कहीं कहीं देखे, लेकिन वो जो दाने थे वो खुद से ही खत्म हो गए। इसके अलावा और कोई भी सीवियर चेंज मैंने अपनी स्किन में ऑब्जर्व नहीं किया। इसे लगाने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके आपको 2 से 3 ड्रॉप मॉर्निंग में आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे इवनिंग में भी लगा सकते हैं। मैं इसे मॉर्निंग में लगाती थी सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार। इसके कुछ ड्रॉप्स आपको लेनी है और टोनर के बाद सबसे पहले आपको इसे लगाना है। बहुत ज्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है इसलिए आपकी स्किन को आराम से पेंट्रेट कर जाता है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है, कोई आपको नया एक्ने नहीं आता है, कोई नया ब्रेकआउट मैंने एटलीस्ट ऑब्जर्व नहीं किया है और मेरी स्किन पे इसने काफी अच्छे से काम किया। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन इवन नहीं है तो आप इसे एक चांस दे सकते हैं। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है और ये रिकमेंडेड भी है क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन रखता है कि तो ड्राई स्किन वाले लोग इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ नियासिनमाइड एक बहुत ही माइल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो आप इसे इजीली लेयर अप भी कर सकते हैं अपने किसी भी और सीरम या फिर मॉइस्चराइजर के साथ। सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी सीरम से इसे दूर रखना है। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसकी आपको 30 ml की क्वांटिटी 599 रुपीज की मिलती है। इसके साथ आपको 1 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है, लेकिन एक बार आप इसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ रह जाती है। तो इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो प्रिजर्वेटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यानी कि इसमें जो फिनॉक्सी एथेनॉल डाला गया है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, तभी इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है। तो मुझे लगता है कि मैंने मेरी साइड से आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।